वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीपीसी की कुछ धाराएं, कुछ सेक्शन को भी जानेंगे, कुछ ऑर्डर को भी जानेंगे, कुछ रूल को भी जानेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे क्या सिविल केस में भी गिरफ्तारी संभव है। संभव है तो कैसे है, किस स्थिति में है, दो पक्षकार हैं, दो पक्षकार में किन की गिरफ्तारी संभव है। तो इस तरह से इस चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रीफ आउट करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं सिविल केस अर्थात जमीन जायदाद से संबंधित जो भी केस होते हैं इसमें दो तरह का होता है, एक डिक्री होता है, डिक्री या फिर जजमेंट भी होता है। इसमें या तो एक पक्षकार का जीत होता है फिर दूसरे पक्षकार की हार हो जाती है, एक पक्षकार को जुर्माना होता है दूसरे पक्षकार को देना होता है, या फिर जुर्माने का जो रकम है वो न्यायालय को देना होता है। इस स्थिति में अगर किसी भी ऑर्डर के यानी मतलब न्यायालय के ऑर्डर का यानी आदेश का अवहेलना किया जाता है किसी भी पक्षकार के द्वारा तो सिविल केस के जज साहब को ये पावर है सीपीसी के माध्यम से कि वो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं अपने आदेश की अवहेलना को देखते हुए, और अगर उनके आदेश को मानने से इनकार कर जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी संभव है, सिविल केस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ चीज़ को हम देखेंगे। आप जानते हैं सिविल मामले को मुख्य रूप से जो है सीपीसी में डिफाइन किया गया है। सीपीसी में रूल और ऑर्डर ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो रूल और ऑर्डर को आप जितना ज़्यादा जानते जाएंगे सिविल की जानकारी आपको उतनी ज़्यादा डेवलप करती जाएगी। तो आप जानते हैं सीपीसी के 51 से 59 यानी 51 to 59 जो है इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है, यानी 51 से लेकर 59 तक जो है सीपीसी का इसमें चर्चा किया गया है कि आपको कब कब गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, खास करके सिविल केस में जो गिरफ्तारी होगी। ठीक है, दूसरी बात है कि सीपीसी का जो ऑर्डर है ऑर्डर 21 का रूल 30 से 40 ये भी बताता है कि गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में कि कितने दिन की गिरफ्तारी होगी, किस रूप से होगी, कैसे होगी। ठीक है, इसके संबंध में तो हम एक दो पॉइंट को जो है ब्रीफ आउट करने का कोशिश करेंगे जिससे आपका ब्रेन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ब्रेन में ये सेटअप कर लीजिए कि सिविल केस में गिरफ्तारी नहीं होती है, ये एक मिथ्या है। सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है जब आदेश का मानना, जब आदेश मान्य न्यायालय का आदेश का अवहेलना होता है किसी भी पक्षकार के द्वारा तो उस स्थिति में मान्य न्यायालय के द्वारा उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। ये तो हुआ। दूसरी बात है अगर किसी पक्षकार को जुर्माना हुआ है और वो जुर्माना देने से इनकार कर जाता है तो उस स्थिति में भी जो है माननीय न्यायालय उनको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक दो पॉइंट को। पहला पॉइंट है 51C CPC, ये बताता है न्यायालय के आदेश की जब अवहेलना होती है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी 51C ऑफ CPC ये बताया कि न्यायालय के आदेश की अगर अवहेलना होगी तो गिरफ्तारी संभव है। ठीक है, ऑर्डर 21 का रूल 30 को अगर हम देखें, तो जिसके विरुद्ध मान लें कि दो पक्षकार आपस में जो है केस लड़ रहे हैं तो जिसके विरुद्ध जजमेंट हुआ है या फिर डिक्री हुई है, जिसके विरुद्ध आदेश पारित हुआ है, आप जानते हैं जब कभी केस अंतिम मोड़ पे आता है तो एक पार्टी की जीत होगी एक पार्टी की हार होगी। ठीक है, तो उस स्थिति में जिसके विरुद्ध ये हुआ है उस पक्षकार को अगर माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ आदेश दिया जाता है और वो आदेश मानने से इनकार कर जाते हैं ऐसी स्थिति में उस पक्षकार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है और वो जेल जाएंगे ही। ठीक है, क्योंकि वो आदेश का अवहेलना कर रहे हैं माननीय न्यायालय के। अगर हम बात करें ऑर्डर 21 रूल 31 का तो ये है कि अगर न्यायालय किसी स्पेसिफिक आदेश को पारित कर देते हैं चाहे वो जमीन का मामला हो, जायदाद का मामला हो या फिर दुकान का मामला हो और किसी एक पक्षकार के द्वारा मानने से इनकार कर दिया जाता है तो उस इनकार करने वाले पक्ष को जेल भेजने का पूरा अधिकार है जज साहब को सिविल कोर्ट के माध्यम से, यानी सिविल कोर्ट के जज साहब उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके भेज सकते हैं क्योंकि उन्होंने आदेश की अवहेलना की। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ऑर्डर 21 का रूल 32 को, ठीक है, तो ये होता है किसी समझौता का
समझौता से संबंधित यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ अगर कोई मतलब एग्रीमेंट टाइप का हुआ है कुछ और उससे जो है उनका जो है केस खत्म हो गया उस स्थिति में, तो उस ऐसे समझौता को मानने के लिए दोनों पक्ष को बाध्य होना पड़ेगा और उसमें से कोई पक्ष अगर मानने से बाध्य नहीं होता है अर्थात इनकार कर जाता है अर्थात माननीय न्यायालय के इस आदेश का अवहेलना करता है, उस स्थिति में उसको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। और तो दोस्तों मेरे बताने का उद्देश्य था कि सिविल केस में भी गिरफ्तारी संभव है, संभव है मतलब संभव है, जब कभी आप कभी भी आप माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हैं तो आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। उनके आदेश का अवहेलना नहीं करना चाहिए, फिर आप उन पे जो है रिट फाइल या फिर अपील वगैरह जो भी करना है आप उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं, हाईकोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस स्थिति में उसके आदेश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और गिरफ्तारी से बचना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक चैनल पर बने रहिए।